संक्रमण की रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में होने वाली सभी रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध सभी राजनीतिक व गैर राजनीतिक रैलियों पर लागू होगा। प्रदेश सरकार का कहना है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संगठनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। हरियाणा सरकार कोरोना वायरस को राज्य में एक महामारी घोषित कर चुकी है। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, खेलों की भीड़, धार्मिक राजनीतिक सम्मेलनों की भीड़ पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश न मानने वालों के खिलाफ 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इनके अलावा सभी सामूहिक कार्यक्रम जिसमें भीड़ एकत्रित होती है पर प्रतिबंध लगाया गया है। हरियाणा में होने वाली सभी रैलियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। विज ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर हर 3 दिन में हरियाणा सरकार समीक्षा करेगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम स्कूल बंद करने के पक्ष में नहीं हैं। हालांकि हरियाणा सरकार दिल्ली से सटे 4 जिलों में स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर चुकी है। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में 100 स्थानों पर शिविर लगाकर मुफ्त दवाइयां वितरित करने का भी फैसला किया है। विज ने कहा कि हरियाणा सरकार के प्रत्येक जिले में ऐसे लोगों की पहचान कर रही है जिन्होंने बीते 14 दिनों के अंदर विदेश यात्रा की है। सरकार ने ऐसे तमाम लोगों से स्वयं को अगले 14 दिनों तक घर के अंदर खुद ही अलग थलग रखने की अपील की है। प्रत्येक जिले के जिला अधिकारी, एसडीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य सर्जन एवं सिविल सर्जन अधिकारियों को कोरोना वायरस की रोकथाम की जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा के राज्यपाल ने अपने एक आदेश में कहा कि राज्य के प्रत्येक प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के पास संदिग्ध रोगियों की स्क्रीनिंग की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि रोगियों को तुरंत उपचार मुहैया कराया जा सके। हरियाणा के सभी अस्पतालों को अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि अस्पताल में आने वाले संदिग्ध रोगियों का पूरा डाटा बेस तैयार किया जाए। हमने सारा रिव्यू किया है कोरोना का, कि क्या क्या हम कर रहे हैं और क्या क्या हमको करना है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए कि एक तो सभी प्रकार की रैलियों पर हमने बैन लगा दिया, चाहे वो राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, धार्मिक हैं या खेलों का आयोजन होता है तो उसमें भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं, उस पर आगामी आदेशों तक बैन लगा दिया गया है। स्कूल बंद करने के हम पक्ष में नहीं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर बच्चों को कहीं फ्लू के सिम्टम हैं तो उन बच्चों को वो स्कूल में ना भेजें, पेरेंट्स स्कूल में ना भेजें। और किसी भी अस्पताल में जो हमने फ्लू सेंटर बनाए हैं, सरकारी अस्पतालों में भी और प्राइवेट अस्पताल में भी, वहाँ पर जाकर दिखाएं। 100 कैंप सारे हरियाणा में लगाए जाएंगे जिसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ और होम्योपैथिक दवाइयाँ, यूनानी दवाइयाँ फ्री। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.